तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका आपके भाई के ब्लॉग में। मैं आपका भाई विक्की स्वागत करता हूँ। शक्ल से लग रहा होगा ना कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो भाइयों मैं ना राइड मार के आया हूँ अपने एक दो दोस्तों के साथ। धर्मशाला बक्सुनाथ गए थे वाटरफॉल, और चल के भी आए हैं तो बहुत थक गए। मतलब राइड से इतनी थकान नहीं होती जितनी चल के होती है। ब्लॉग देखना है, क्या क्या हमने मजे किए, क्या क्या हंसी मजाक हुआ, वो सब देखना है। चलो फिर आप सबको दिखाते हैं ब्लॉग। 11 बजे का टाइम बोला था और 11:30 से ऊपर हो गया और मैं लेट हूँ, तो चलो अभी जल्दी से चलो। चलना निकल, चलना तूने कहाँ जा रहे हो? धर्मशाला तक करो। धर्मशाला? हाँ आज तो देखता हूँ, मुश्किल है अभी। मम्मी क्या नहीं नहीं भाई कहना कभी थोड़ा वो कंट्रोल कर रहे हैं ना, अभी ज्यादा नहीं देनी है। देख तो अगले नेक्स्ट टाइम चल पड़ूंगा। चल झूठा, चल कौन है? हाँ मैं विशाल, चल दो दुकान संभाल लिया ना, आके मिलता हूँ मैं। ए 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है। 1 hour later मैं वहां पे इतनी देर से इंतजार कर रहा था परोर मेन में। बार बार झूठ बोलो, आग लाए हुए थी उन्हें था ये परोर। ओ बैच में तो घंटा हो गया, तू फोन नहीं करता था। घंटा ये तो तू फोन। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ विशाल के पास, और ये देखो ये चिट्टू है, ये फैब विशाल, फैब चिट्टू, और वो भी एक अपन की वजह से मेरी इज्जत गई थी। वो कार्बन फाइबर के होते हैं ना हेलमेट, एक एक लाख से ऊपर। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550 कंधे टांगे शार्क का। चलो गाइस विशाल का माइक चेक कर लिया, उसमें भी थोड़ा हवा खींच रहा था, पता नहीं प्रॉब्लम क्या, शायद हम यहाँ रुके थे, अब आगे पेट्रोल भराएंगे और राइड एंजॉय करेंगे। चलो आप लोग आगे, आज जो है वो चिट्टू की जिंदगी विशाल के हाथ में है, पर विशाल आराम से ही चलाता है। हाँ पेट्रोल ही नहीं है गाइस, क्या हुआ? गरीब हो विशाल के साथ चलने में ड्रॉबैक पता है क्या है, कि बहुत आराम आराम से चलता है। मतलब हम धर्मशाला चले हैं ना, पक्का कल तक तो पहुंच ही जाएंगे। कौन हो? रेस करोगे? रेस करोगे? रेस करोगे? आ जा आ जा। जो मजा दोस्तों के साथ राइड करने में आता है ना, वो अलग ही होता है। आप हंसी मजाक करते हो, कल जो है वो इंडिकेटर ऑन करके चले हुए हैं। इंडिकेटर बंद कर लो, इंडिकेटर ऑन है। ओ देखो गाइस, मंदिर से पैसे मांगे हैं ऐसा लग रहा है। गाइस वो देखो बस में क्या लिखा, लाइफ इज शॉर्ट लिव इट। चैटिंग कंटिन्यूस चालू है भाई, चैटिंग। यहाँ पे ये चली हुई है इंडिकेटर देखे, और आगे वो बुलेट वाले चले हुए हैं इंडिकेटर देखे। विशाल है, तेरे को पता है धर्मशाला में क्या रूल है आने का, कि आपको ना सड़कों पे इंडिकेटर देके ही चलना है, ये रूल है। इसने भी चलाया, पीछे एक औरत आ रही है उसने भी इंडिकेटर चलाया। उससे पहले गाड़ी वाला, हाँ यहाँ पे ना चलाए रख दे इंडिकेटर में। भैया इंडिकेटर ऑन है आपका। गाइस एक और देखो, इंडिकेटर देके चला हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या ही है।
ओ बढ़िया बढ़िया ब्रो, ठीक है राइड पे हो? हाँ बस ऐसे ही थोड़ा जा रहे थे। अच्छा चलना है? कहाँ पे कहाँ जाना? मैं भाई बस में बैठे हो बंदे यार, दोस्त अपने बैठे। अच्छा तुम लोग कहाँ जा रहे हो घूमने? कहाँ जा रहे हो तुम लोग घूमने? चल रहे हैं, बंदे देख रहे राइड पे जा रहे, चल पड़ते हैं हम तो ऐसे। हाँ ठीक है हाँ चल तू जाए आराम से ना। ओके ओके। तो गाइस हम धर्मशाला पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा, रेस्ट कर रहे हैं उनके ड्राइव करके। और ये देखो पीछे ये दोनों बांदर, और ये धर्मशाला का कुछ व्यू है, आप चेकआउट करो। और यहाँ पे हम रुके हैं, अब आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे आगे। तो गाइस हम बैठे हुए हैं और धर्मशाला में इतनी गर्मी हो रही है कि पूछो मत। और ये एक साइड चैटिंग चली हुई है देखो, और एक साइड तो तड़पती आत्मा बैठी हुई है, देख रही है कि कोई आएगा और लेके जाएगा। अभी थोड़ी थोड़ी भूख भी लग पड़ी है हमें, भूख लग पड़ी। और विशाल ने एक बड़ा जबरदस्त रेस्टोरेंट ले जाने का फैसला लिया है। क्या चीज है? हाथ की महल है हमको, पर हम यहाँ पे आए ना और हमें पता नहीं लग रहा था उसका नाम क्या। और ये ना बोल रहा था कि भाई सुरंग टनल कुछ भी है, कुछ भी। और फिर हमने एक लड़का भी पूछा ना, वो उसको भी नहीं पता लगा, फिर तो कांगड़ा। और फिर फाइनली हमें लोकेशन मिल गई। फिर हम उस बंदे को बोल रहे थे कि वो टनल विशाल बोल रहा था, तो वो कहता कि अटल टनल के लिए जाना पड़ेगा हमको। बट फिर हमारे यहाँ पे भाई एक स्पेशल खास रियान भाई, तो उन्होंने बताया कि वो जो है जगह है वो, तो वो भाई नैनो इतनी आवाज कर रही है, एग्जॉस्ट लगा नैनो में। तो गाइस ये धर्मशाला का है व्यू, और वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, आजकल वो लगे हुए हैं वहाँ पे मैचेस। और ये देखो गाइस आजकल पल्सर में भी कार्बन फाइबर आ रहा है, महंगी बातचीत है जिट्टू, महंगी बातचीत कार्बन फाइबर। तो चलो गाइस अब चलते हैं भक्सुनाथ तक, थोड़ा मैकलो घूमेंगे, थोड़ा भक्सुनाथ घूमेंगे। गाइस व्यू चेकआउट करो, वो देखो ऊपर बादल और नीचे पहाड़, भाई अल्टीमेट ही सुंदर है ना, कितना सुंदर है ना। वहाँ पे चिट्टू का घर बनाएंगे, हाँ फिर जब कभी भूकंप आएगा ना तो ये ऊपर से सीधा यहाँ नीचे आके लगेगा घर इसका। हाँ जी अंकल, नहीं 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 रुको रुको। अरे एक नए सब्सक्राइबर मिले हैं देखो ये। और कहाँ घूम रहे थे तुम ब्रो? बस इधर ही, इधर ही साइकिल चलाता है, इधर ही साइकिल चलाता है, ये भी बहुत स्टंट करता है साइकिल में है ना। हाँ। ये भी स्टंट करता है। चल ठीक है फिर मिलेंगे किसी दिन और दिन है ना। ठीक। ओ भाई लड़कियां कमेंट करके गई हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।